अगर आप एप्पल आईपैड 9th जनरेशन और एप्पल आईपैड 8th जनरेशन दोनों में अंतर देखना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए आईपैड 9th जनरेशन 10.2 और एप्पल आईपैड 8th जनरेशन 10.2 दोनों में अंतर बताने वाला हूं कि आप इस साल कौन सा आईपैड खरीद सकते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से, डिस्प्ले क्वालिटी के हिसाब से। आज हम पूरा कंपैरिजन देखेंगे, तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो दोनों आईपैड हैं, आईपैड 8th जनरेशन और 9th जनरेशन, इन दोनों में क्या चीज़ है जो सिमिलर हैं। देखिए, इन दोनों आईपैड में आपको दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल जाएगा। बैक का कैमरा है वो भी एकदम सिमिलर है, आपका जो डिस्प्ले साइज है वो भी एकदम एक्यूरेट, मतलब डिट्टो जैसा 10.2 पिछले साल वाला था, इस सेम 10.2 वाला इस साल भी है। बैटरी साइज दोनों का सेम है, रेजुलेशन 2160x1620 दोनों का सेम रेजुलेशन, जो कि 264 PPI के साथ आता है, दोनों को सेम देखने को मिल जाएगा। इनमें जो चार्जिंग पोर्ट है दोनों में भी सेम है, जो बैटरी बताता है एप्पल की 10 घंटे चल जाएगी, दोनों का बैटरी लेवल सेम है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं एप्पल आईपैड्स 8th और 9th जनरेशन दोनों में सेम देखने को मिल जाती हैं। ये दोनों आईपैड आईपैड ओएस 15 पर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एप्पल आईपैड 8th जनरेशन और एप्पल आईपैड 9th जनरेशन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके प्रोसेसर के बारे में। देखिए, एप्पल आईपैड 9th जनरेशन जो आता है वो एप्पल के न्यू प्रोसेसर A13 बायोनिक चिपसेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि A12 से 20% मोर देन, मतलब ज़्यादा फास्टर है। और जो एप्पल का आईपैड 8th जनरेशन था उसमें आपको A12 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता था। मतलब अगर आप वीडियो एडिटिंग का शौक रखते हैं या फिर गेमिंग का, फोटो एडिटिंग का, तो आपको ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, जिसकी मदद से आपका काम और भी आसान होने वाला है। अब बात करते हैं दोनों आईपैड के कैमरा के बारे में। देखिए, आईपैड 9th जनरेशन में आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि जो कि इसका एपर्चर 2.4 है, 2x जूम के साथ सेंटर स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर मैं 8th जनरेशन की बात करूं तो आपको केवल 1.2 MP का फेस टाइम HD कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 2.4 एपिचर के साथ तो आता है, पर उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप कैमरा के फैन हो तो आपको इसमें फ्रंट कैमरा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो आईपैड 9th जनरेशन के साथ आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं दोनों के टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या दी गई है। देखिए, आईपैड 9th जनरेशन है उसमें 10.2 ऐसा ही सेम आईपैड 8th जनरेशन 10.2, बट इनमें दे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो एप्पल ने इस साल जो आईपैड लॉन्च किया है, आईपैड 9th जनरेशन 10.2 में रेटिना डिस्प्ले तो यूज़ की गई है, पर वो डिस्प्ले ट्रू टोन sRGB के साथ आता है, जिसमें आपको कलर देखने का मज़ा और भी सुंदर होने वाला है। अगर आप कोई फ़ोटोज़ देख रहे हो तो उसमें कलर एक्यूरेसी बहुत ही गजब देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर मैं एप्पल आईपैड के 8th जनरेशन की बात करूँ तो उसमें डिस्प्ले में ये क्वालिटी थोड़ी कम मिलती है। वैसे आईपैड की रेटिना डिस्प्ले कम नहीं है, पर रेटिना डिस्प्ले में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट और देखने को मिल जाए तो आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा अच्छी फील होकर दिखाई देने वाली हैं। तो आपको एप्पल 9th जनरेशन वाले आईपैड में ट्रू टोन डिस्प्ले के साथ 10.2 का रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब इन दोनों आईपैड के हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, स्टोरेज में हमको क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो दोनों आईपैड हैं 64 GB के साथ, 32 GB के साथ आते हैं, पर जो एप्पल आईपैड 9th जनरेशन है उसकी स्टार्टिंग आपको 64 GB के साथ स्टार्टिंग होती है और 256 GB तक आप कोई सा भी वेरियंट खरीद सकते हो। पर एप्पल आईपैड 8th जनरेशन में आपको ये चॉइस देखने को नहीं मिलती, वहाँ पर आपको लोएस्ट वर्जन 32 GB में देखने को मिलेगा और 128 GB तक आप मैक्सिमम परचेस कर सकते हैं। दोनों में जो पेंसिल का अटैचमेंट आता है वो एप्पल की जनरेशन फर्स्ट का ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि 8,500 तक की आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन कहीं से भी देखने को मिल जाएगी। अब इनके वेट के बारे में बात करूँ तो आईपैड 8th जनरेशन में आपको 490 ग्राम वेट देखने को मिलता था वाईफाई वाले मॉडल में, पर इस साल जो आईपैड 9th जनरेशन है वहाँ पर आपको 487
ग्राम देखने को मिलेगा, मतलब कुछ 3 ग्राम यहाँ पर घटा है। बट अगर मैं वहीं पर वाईफाई और सेलुलर की बात करूँ तो यहाँ पर 3 ग्राम ज़्यादा हो गया, मतलब आपको आईपैड 8 जनरेशन में 495 ग्राम देखने को मिलेगा वाईफाई और सेलुलर मॉडल में। वहीं पर आपको आईपैड 9 जनरेशन वाले ऑप्शन में ये चीज़ें और थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब 498 ग्राम हो जाता है। देखिए अब इन दोनों आईपैड से कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको आईपैड कौन सा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए पहले मैं आपको इसके कलर्स के बारे में बता दूं, आईपैड 9 जनरेशन जो आता है ओनली 2 कलर्स के साथ आता है, एक तो ग्रे कलर के साथ और एक आपका गोल्ड छोड़ के ब्राइट वाला आता है ना उसके साथ सिल्वर कलर के साथ आता है। पर जो एप्पल आईपैड 8 जनरेशन है उसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गोल्ड के फैन हैं तो आपके लिए आईपैड 9 जनरेशन नहीं होने वाला है, आप मेरे हिसाब से आईपैड 8th ही चूज़ करें। अगर आप कलर आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, वीडियो एडिटिंग करना अच्छा लगता है, अच्छा पावरफुल कैमरा चाहिए, अच्छा पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, तो आप 9 जनरेशन के साथ जा सकते हो। इसमें आपको पैसे भी कम खर्च करने पड़ेंगे। इस साल जो आईपैड की रेट रखी गई है एप्पल ने बहुत ही कम रखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।